અને હવે વાત કરીએ સુશાંત આત્મહત્યા કેસમાં રિયાના ઘરે આજે એનસીબીની ટીમે દરોડા પાડ્યા છે અને આ સાથે જ સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાના ઘરે પણ એનસીબીએ રેડ પાડી છે અને તપાસ બાદ સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાની એનસીબીએ અટકાયત કરી છે. સુશાંતના સ્ટાફના કર્મચારીની એનસીબીએ અટકાયત કરી છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોત મામલે એક પછી એક લોકોની પૂછપરછ કરાઈ રહી છે. આ મામલે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો મતલબ કે એનસીબી ડ્રગ્સ કનેક્શન મામલે રિયા ચક્રવર્તી અને સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાના ઘરે તપાસ માટે પહોંચી એનસીબીની ટીમ કેઝાન ડ્રગ ડીલરે આપેલી માહિતી બાદ આ રેડ પાડવા પહોંચી. જાણકારી મુજબ બે દિવસ પહેલા પણ શોવિકે ડ્રગ ડીલિંગ કરી હતી. ઘરમાં જ ડ્રગ્સ હોવાની શંકાથી આ તપાસ કરવામાં આવી. એનસીબીની ટીમના સર્ચ ઓપરેશન બાદ સેમ્યુઅલ મિરાન્ડેની અટકાયત કરવામાં આવી. રિયાના ઘરે 8 લોકોની ટીમે તપાસ કરી. રિયાના ઘરે મોબાઈલ, હાર્ડ ડિસ્ક અને લેપટોપની તપાસ કરી. આ સાથે રિયાના કારની પણ તપાસ કરવામાં આવી. સૂત્રોથી મળતી જાણકારી મુજબ ચક્રવર્તી પરિવાર તપાસ ટીમની સાથે રહીને તેમને સહયોગ કરી રહ્યો છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસમાં એઇમ્સની ફોરેન્સિક નિષ્ણાંત ટીમ સુશાંત કેસમાં આજે પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરી શકે. એઇમ્સની ટીમે સુશાંતના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની સમીક્ષા કરવાની હતી. સુશાંતના પરિવારે મુંબઈની કૂપર હોસ્પિટલ દ્વારા કરાયેલા પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. સંવાદદાતા મુંબઈથી જોડાઈ ચૂક્યા છે હર્ષા ચંદવાની. હર્ષા, રિયા ચક્રવર્તી કે ઘર પે આજ રેડ હુઈ, સાથ મેં સેમ્યુઅલ મિરાન્ડા કી કો અટક મેં ભી લિયા ગયા, ક્યા અપડેટ્સ મિલ રહી હૈ આજ? जी आपको बताओ, एनसीबी की टीम सुबह लगभग 3.5 घंटे रेड चली. एनसीबी की टीम की शोविक के घर पे, शोविक को लेकर गए इंटरोगेशन के लिए एनसीबी दफ्तर. वहाँ सैमुअल मिरांडा को भी इससे पहले एनसीबी के दफ्तर लेके गए और दोनों से ही पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो ड्रग एंगल आया है उसमें शोविक और सैमुअल मिरांडा की सीधे बातचीत ड्रग पेडलर से है. यहाँ तक की मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीबी के पास वो फुटेज मौजूद है बॉम्बे फुटबॉल क्लब की, यानी कि शोविक और ड्रग पेडलर्स की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, ड्रग पेडलिंग को लेकर के ये फुटेज भी मौजूद है. और साथ ही साथ जितने भी डिजिटल एविडेंस है वो सारे डिजिटल एविडेंस यहाँ पे एनसीबी की टीम रिया के घर से लेकर के गई है, जिसमें लैपटॉप, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती दोनों का मोबाइल फोन और जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मौजूद थे जिनके माध्यम से एविडेंस मिल सकता था, जो डिलीट किया गया था, जिसको कैसे रिट्रीव किया करना है, जितने हार्ड डिस्क है वो सब कुछ लेके गई है. यहाँ से जितने डिजिटल एविडेंस है वो इनके घर से लेके गई है एनसीबी की टीम. और अब एनसीबी के दफ्तर में सैमुअल मिरांडा से एक अलग टीम इंटरोगेट कर रही है, शोविक चक्रवर्ती से अलग टीम इंटरोगेट कर रही है, और उसके बाद ड्रग पेडलर्स के साथ बैठा करके जितने भी चैट हैं, जितने मेल्स हैं, जितनी चीजें हैं उनको सामने बैठा करके इंटरोगेट किया जाएगा, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिरकार शोविक किस तरह से पूरे मामले में बड़े किंग पिन है, ड्रग्स के रैकेट से, नेक्सस से कैसे जुड़े हैं, किस तरह से ड्रग कंज्यूम ही नहीं करते हैं बल्कि लेजिटली ड्रग पेडलर भी है, यानी कि आगे लोगों को ड्रग सप्लाई भी करते हैं. शोविक की तमाम बातें भी कही जा रही है, इसीलिए जांच एनसीबी इन तीनों एंगल से करेगी. बिल्कुल हर्षा, एक और अलावा इसके अलावा एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो पोस्टमार्टम हुआ था सुशांत का, उसकी एक रिव्यू रिपोर्ट भी आज एम्स की फॉरेंसिक टीम सबमिट करने वाली है, उसके ऊपर कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, विश्वास रिपोर्ट, एडॉप्सी रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम, इस तीनों चीज को दोबारा से एम्स की फॉरेंसिक टीम ने की थी. लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच का समय है जब वो सौंपेगी फॉरेंसिक टीम, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से विश्वास और एडॉप्सी किया गया था एम्स की टीम के द्वारा, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल में जिस तरह से ढिलाई और जिस तरह से नजरअंदाज करके पूरी जाँच की गई थी सुशांत की पोस्टमार्टम की, उस पर कहीं ना कहीं संदेह था, उस पर कहीं ना कहीं डाउट था कि ठीक से पोस्टमार्टम नहीं किया गया, इसलिए फॉरेंसिक टीम ने दोबारा से विश्वास पोस्टमार्टम ऑटोप्सी किया, जिसकी रिपोर्ट आज सौंपेगी. इसलिए फॉरेंसिक टीम ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन कल सीबीआई इंटरोगेशन के लिए फॉरेंसिक टीम भी सीबीआई के पास पहुंची थी अपनी डिटेल बताने के लिए कि आखिरकार ऑटोप्सी और विश्वास में क्या है. तो यानी कुछ अहम चीजें आज डीआरडीओ से और एनसीबी से निकल करके आएंगी और दोनों एजेंसियां एक के बाद एक सबको इंटरोगेट भी करी, यानी कि सारी मूवमेंट आज एनसीबी के दफ्तर में है और बहुत बड़ा खुलासा देर शाम तक हो सकता है. हिरासत में भी लिया जा सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए एनसीबी इंतजार करिए ठोस सबूत का, और ठोस सबूत इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेंगे. जैसे ही ठोस सबूत मिलेंगे वैसे ही गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ठोस सबूत के लिए सबको बैठा करके चैट, मेल, ड्रग डीलिंग, वो तमाम चीजों का खुलासा करेगी एनसीबी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो आता हमारा संवाददाता हर्षा चंदवानी, जिन्होंने कहूं कि सुशांत केस में आज सेम्युअल मिरांडा घरे तपास बाद अटकायत करवामां आवी छे अने एनसीबी की टीम हवे आ ड्रग्स जे कनेक्शन सामे आव्युं छे तेनामां तपास आगळ वधारी रही छे. तो थोड़ी वार में सवारना मोटा समाचार सहयोगी धरा साथे आप जोता रहो जी 24 कलाक.